अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि यूपी उपचुनाव में इंडिया अलायंस के सभी नौ उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर चली लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस ने सपा के सामने हथियार डाल दिए। इसको लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा कि अपने इस हाल के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। अखिलेश ने देर रात ऐलान कर दिया कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सभी नौ सीटों पर उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हाथ का पंजा खाली रह गया, कांग्रेस अब हाथ मलती रहे। सपा ने दिया कांग्रेस को धोबी पछाड़ दाव। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है।